कांग्रेस की सियासत रसातल में समाई, तीन तलाक बिल रोकने के लिए कांग्रेस को भगवान राम की याद आई। जी, राज्यसभा में संशोधित तीन तलाक बिल पर रार थम नहीं रही। इस बीच मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल शुक्रवार सुबह कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने कहा कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग का महिलाओं पर वर्चस्व है। यहाँ तक कि श्री रामचंद जी ने एक बार शक करते हुए अपनी पत्नी सीता जी को छोड़ दिया था। ऐसे में हमें इस परंपरा को ही पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक से माफी मांगने की अपील की। संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ मुस्लिम महिलाओं के हितों से जुड़े तीन तलाक विधेयक को रोकने के लिए संसद में गतिरोध पैदा कर रही है, तो वहीं उसके नेता बाहर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद दलवाई ने हिंदू समुदाय के लोगों से माफी भी मांग ली। हुसैन दलवाई ने कहा कि जहां तक राम का मुद्दा है, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। भले ही हुसैन दलवाई ने अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस की सियासत इतने रसातल में समा चुकी है कि उसके नेता अपने सियासी हित के लिए भगवान राम तक को अपमानित करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।